कांग्रेस जो है आरोप लगा रहे हैं कि बेटे के नाम पर राजनीति किया जा रहा है और आपको उपयोग किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग मुस्लिम समुदाय के लोग आए, हम लोगों पे वार किए। कांग्रेस सरकार में बहुत ही लापरवाही बरते गए, कब उसके लापरवाही की वजह से तो आज मैं अपना बेटा खोया हूँ। शासन प्रशासन के पास गुहार लगाया, मेरे बेटे की हत्यारा नाम के लिए 12 लोगों को गिरफ्तार कर दे रही थी, लेकिन जो और भी है जो असली कातिल है वो आज भी गांव में घूमते हैं। ये भूपेश बघेल है, गरीबों के मसीहा बना तरी से बड़े बड़े पोस्टर में दिखे, कहीं बासी खाते कहीं चटनी खाते। हमारे प्रदेश की जनता ऐसे बोला नकारिस, तो वही सदमे से वो मतलब अभी कांग्रेस में मन बाहर नहीं आए। तीन मोर बेटा की हत्यारा बहुत जल्दी सलाखों के पीछे रही, जब जाके मोर बेटा के आत्मला शांति मिली, मोर दिल संतुष्ट मिली। साजा विधायक जांजगीर चांपा जिले के दौरे पर पहुंचे हैं, हम उनसे बात करेंगे। बीरनपुर हत्याकांड में आपके बेटे की भी हत्या हुई थी, आपने सीबीआई जांच की मांग की थी और सीबीआई जो है पूछताछ के लिए पहुंचे, क्या आपसे पूछताछ की गई है? नहीं, अभी पूछताछ नहीं की। क्या आप जो कांग्रेस सरकार है उसमें लापरवाही बरती गई थी, क्या कहेंगे? हाँ, कांग्रेस सरकार में बहुत ही लापरवाही बरते गए, कब उसके लापरवाही की वजह से तो आज मैं अपना बेटा खोया हूँ। क्या आप कैसा न्याय चाहते हैं आप? मेरे बेटे की हत्यारा जो है उनको सजा मिलना चाहिए। मैंने मेरे बेटे के नामजद, क्योंकि जहाँ जिस टाइम में मेरे बेटे की हत्या हुई उस गांव में मैं भी था। सैकड़ों की संख्या में लोग मुस्लिम समुदाय के लोग आए, हम लोगों पे वार किए, मेरे लड़के को खींच के ले गए। मैंने नामजद 40-45 लोगों का नाम दिया, मेरे गांव के और बहुत से हिंदू भाई लोगों को भी चोट लगे थे, लेकिन मैं बहुत चक्कर गया, बहुत बार बार चक्कर मारा, शासन प्रशासन के पास गुहार लगाया, बहुत न्याय के लिए मैं अपने बेटे की फ़ोटो लेके मैं हर शासन प्रशासन के पास गया हूँ, लेकिन मोला मोड़ एक नहीं सुनी। सिर्फ नाम के लिए 12 लोगों को गिरफ्तार कर दे रही थी, लेकिन जो और भी है जो असली कातिल है वो आज भी गांव में घूमते हैं, लेकिन मोला न्याय नहीं मिली। मैं सदन में ध्यान आकर्षण के माध्यम से ध्यान आकर्षण लगाया, तब जाके मोला हमारे देश की हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी है सीबीआई जांच की घोषणा की करी, तो सीबीआई की घोषणा करे के बाद में मोला कल मालूम पड़ी कि सीबीआई की टीम बीरनपुर पहुंच चुके करके, तो अब जरूर निश्चित मोला न्याय मिली। मोर बेटा के कातिल, मोर बेटा के हत्यारा बहुत जल्दी सलाखों के पीछे रही, और मोला सीबीआई पे भी पूरा भरोसा है और अपने देश के कानून में भी भरोसा है कि मोर बहुत जल्दी मोर बेटा के हत्यारा मन जब सजा मिली, ताकि और कोई भी ऐसी घृणौना हरकत मत करे, उसको कानून का डर रहे, कानून का खौफ रहे, और प्रदेश में के जनता भी यही चाह रहा है कि जो भी हो कातिल बहुत जल्दी सलाखे के पीछे रही, ताकि बेनकाब हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जब जाके मोर बेटा के आत्मला शांति मिली, मोर दिल संतुष्ट मिली। पीसीसी चीफ का बड़ा बयान है कि उनका कहना है कि ये जो जांच है वो केवल चुनावी जांच है और चुनाव रहते ही चुनाव है इसलिए जांच करा रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँ कि कांग्रेस वाले मन अभी जो विधानसभा में चुनाव हुई ना, तू हार गए, कहाँ 70 सीट रही से 34-35 सीट में आ गए, जो बड़े बड़े बात कर रही से ऐसा करवो ऐसा करवो, 5 साल में हमारे प्रदेश की जनता ऐसे बोला नकारिस, ऐसा नकार दिस, बड़े बड़े पोस्टर बाद ये भूपेश बघेल है, गरीबों के मसीहा बना तरी से बड़े बड़े पोस्टर में दिखे, कहीं बासी खाते कहीं चटनी खाते, ऐसे देश प्रदेश के जनता बोला नकार दिस, तो वो इस सदमे से उमन अभी कांग्रेस में उमन बाहर नहीं आए। उमन पूरा अपनी पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो चुके हैं, आपस में कुछ ना कुछ बोलना चालू कर दिए, एक दूसरे में जो गठबंधन के नाम में जहाँ इंडिया गठबंधन बोलते ना, एक दूसरे की सर फोड़ने की बात कर रहे हैं, कुछ भी जैसी जैसी गर्मी का पारा चढ़ रहा है
चुनावी पारा चल रहा, वैसे ही उनका वो लोग ज़्यादा धूप का भी असर हो रहा और ये चुनाव का भी ज़्यादा असर पड़ रहा, इसलिए वो लोग अपने मानसिक संतुलन पूरी तरह खो चुके हैं। उनको कोई अच्छे से मेंटल हॉस्पिटल में जाके मेंटल का इलाज कराना चाहिए, अपनी इलाज की बहुत सख्त ज़रूरत है उनको। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस जो है आरोप लगा रहे हैं कि बेटे के नाम पर राजनीति किया जा रहा है और आपको उपयोग किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसे नहीं है, अगर ये ऐसे करना रहता तो भारतीय जनता पार्टी मेरे दुख की घड़ी पे नहीं आता था। मोला दुख की घड़ी में मोर घर में इस मोर बेटे के दुख में शामिल हुई और अपने भारतीय जनता पार्टी परिवार से जोड़ी सोला। लेकिन ये कांग्रेस के भूपेश सरकार तो इतने बड़े दुख के पहाड़ में एक भी दिन मोर ना घर में मोर नहीं, इसने कोई मंत्री नहीं भेजी, कोई एक कार्यकर्ता भी नहीं भेजी कि इतने बड़े मोर घर में दुख के पहाड़ टूट पड़े रही इससे मोर आंसू पोछे तक नहीं। मोर क्षेत्र के विधायक रविंद्र चौबे वो भी एक भी दिन मोर गांव के दूर से गुजर जाए लेकिन मोर गांव में आ रहा हूँ जितनी समझी, और वही कांग्रेस वाले मन है कुछ भी बात बोला थे कि भारतीय जनता पार्टी भी इंजाम लगाते। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है हमेशा सनातन को मानने वाला पार्टी है, सत्य की राह में चलने वाला पार्टी है, एक गरीब मजदूर किसान की ख्याल रखने वाला पार्टी है, साथ लेके चलने वाला पार्टी है, और ये ऐसी कांग्रेस की जातिवाद के नाम से राजनीतिक करना ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक सनातन को मानने पार्टी, एक गरीब मजदूर सबको साथ में लेके चलने वाला पार्टी है। जो आज मोला अपने परिवार के सदस्य में जोड़ी, परिवार के साथ जोड़ी और मोला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बना के साझा विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी बने, और मैं पूरे साझा विधानसभा क्षेत्र के प्रदेश के क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से मैं आज साझा विधायक बन के मैं आज आप सबके बीच में खड़े हों। तो पूरा जो भी श्रेय जाते जो भी जीवन के साथ में जो भी परिवर्तन हुए इसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाते। ये थे हमारे साथ साझा विधायक ईश्वर साहू जी, उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है और लगातार वो कांग्रेस जो है सरकार की वजह से इस पूरी घटना को बता रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार से इस पर और आगे कार्रवाई होती है। उनका ये भी कहना है कि सीबीआई जो पूछताछ के लिए पहुँचे उनका भी बयान नहीं लिया गया है। प्रकाश साहू, विस्तार न्यूज़, जांजगीर।